दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसके बाद आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है gst.gov.in। जैसे आप टाइप करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ आई एम ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। उसके बाद आपको अपना स्टेट बताना होगा। स्टेट बताने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होगा। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो आपके पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड पे हो। उसके बाद आपको अपना यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद अपना मेल आईडी यहाँ पे बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा मेल आईडी आपका वैलिड हो। उसके बाद मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे कोड देख रहे होंगे 897032। इसी प्रकार आपके सामने भी कोड आएगा, वह आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। अब आपके मोबाइल पे और मेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे बताया था और मेल आईडी बताया था। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, मेल आईडी पे भी आ चुका है। अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं योर टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर ये आ रहा है यहाँ पे, एक रेफरेंस नंबर। इस नंबर को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये नंबर हमारे पार्ट बी में काम आने वाला है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जो आपने नंबर अपना नोट डाउन या फिर कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब आपको ये जो कोड मेंशन हो रहा है 687295, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे एक ओटीपी नंबर आएगा, उस ओटीपी नंबर को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं स्टेटस में ड्राफ्ट आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें इंफॉर्मेशन फिल नहीं करा। चलिए हम एडिट पे क्लिक करते हैं और इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार पार्ट शो हो रहे हैं। तो हम जैसे जैसे पार्ट क्लियर करते चले जाएंगे या हम उसे फिल करते चले जाएंगे, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी जनरल डिटेल को फिल कर देता हूँ। और याद रखिएगा कि आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जाएगा अपने इस पूरे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए। अगर 15 दिन के अंदर आपने यहाँ पे अपडेट नहीं करा तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अथॉरिटी अपना सेंट्रल स्टेट। अब मैं सेंट्रल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप ये किस पर्पज़ से जीएसटी प्रैक्टिशनर के अंदर आ रहे हो, यानी आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन बताना होगा। सीधी बात कहूँ तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी, किस ईयर में आप पास हुए और जो आपने ऊपर अपनी हाई क्वालिफिकेशन बताई है उसकी डिग्री यहाँ पे आपको बतानी होगी। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चार्टर्ड अकाउंटिंग। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा CA हो, CS हो या CMA हो, तो ये बॉक्स सामने आएगा। इस बॉक्स में आपको अपना मेंबरशिप, मेंबरशिप टाइप, डेट ऑफ एनरोलमेंट और ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने होंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेंबरशिप नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने क्वालिफाइड डिग्री का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। याद रखिएगा वो PDF या JPG फाइल में ही हो और 1 MB से ऊपर ना हो। आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 100 KB लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि क्वालिफाइड डिग्री लिया है। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते तो वो 1 MB में आ जाता। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ फाइल। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। सेकंड पार्ट हमारा एप्लीकेंट डिटेल है। तो चलिए हम इसे फिल करते हैं। अब यहाँ पे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करा जाएगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपका, आपका फर्स्ट नेम,
मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और परमिट अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ मेंशन होगा क्योंकि हम पार्टी में पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडल नेम है तो उसे भी मेंशन करिए, अदरवाइज लास्ट नेम आप यहाँ पे बता दीजिए। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना होगा जो कि JPG फॉर्मेट में हो और 100 KB से ऊपर ना हो। चलिए मैं अपना फ़ोटो चूज कर लेता हूँ और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एप्लीकेंट डिटेल भी ब्लू कलर में हो गया, यानी ये पार्ट भी कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशनल एड्रेस मेंशन करना होगा, यानी आपका ऑफिस जहाँ पे है वो एड्रेस। उसके बाद आप अपने उस प्रोफेशनल एड्रेस का प्रूफ यहाँ पे अपलोड करिएगा। मैं रेंट एग्रीमेंट ले लेता हूँ। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट 1 MB से ऊपर ना हो और इसके अलावा अगर कोई आप और डॉक्यूमेंट लेते हो तो वो 100 KB से ऊपर ना हो और ये PDF या फिर JPG फाइल में ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं रेंट लीज एग्रीमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 1 MB से ऊपर नहीं होगा। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ फाइल और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोफेशनल एड्रेस भी मेरा ब्लू कलर में हो गया। अब मुझे वेरिफिकेशन करना होगा, इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, अपना प्लेस बता दीजिए। अब नीचे देखिए आपको 3 बॉक्स ब्लू कलर में दिख रहे होंगे, सबमिट विद DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और सबमिट विद EBC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, और सबमिट विद ई सिग्नेचर। EBC एंड ई सिग्नेचर दोनों सेम होते हैं दोस्तों, आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ई सिग्नेचर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वह आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा। EBC सेलेक्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पे आपको एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं सबमिट विद DSC सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम जैसे ही सबमिट विद DSC सेलेक्ट करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक वार्निंग का पेज आएगा, उस वार्निंग को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये EBC और ई सिग्नेचर में नहीं आता, ये सिर्फ DSC में आता है, आप वो वार्निंग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ इसे, और यहाँ से आप अपना डिजिटल सिग्नेचर एंड DSC सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहा है दोस्तों, सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन। 15 मिनट या 20 मिनट टाइम लगेगा, ये आपके मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे एक इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर अप्रूव हो चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू।